ठीक नहीं है। चलिए तो दिखाई तो दे रहा होगा सबको, क्लियर? पीछे वालों को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? पक्का दे रहा है ना? सच में? आर यू श्योर? चलिए जी इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है? सारे लोग शांत हो जाइए, अल्लाह नहीं करने का, ठीक है? तो शुरू करें जी अपना राम कहानी, करते हैं। तो जाने का माई कंप्यूटर में, आप सारे लोग जो है विजुअल बेसिक तो इंस्टॉल करना जानते हो ना? नहीं जानते? हम लाइव कर रहे हैं, आप देखिए, ठीक है? ये देखिए विजुअल बेसिक का सेटअप है, इसमें कर देंगे एंटर, ठीक है? कर देंगे एस, ठीक है? और फिर क्या करेंगे, ऐसा आ जाएगा हमारे पास 2010 है, मैं इसको कर देता हूँ, इस पर क्लिक। क्या हो गया, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है क्या? मेरे को लगता है कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है विजुअल बेसिक, पहले से इंस्टॉल होगा, पहले से इंस्टॉल है मेरे पास। तो सच में नहीं आता क्या आप लोग को इंस्टॉल करना? आता है क्या चीज? बाकी कुछ सिस्टम बचा होगा ना, तो आप लोग जो उसमें इंस्टॉल करना ना, आसान है इंस्टॉल करना, ठीक है? फिर भी नहीं इंस्टॉल करना आएगा तो बताना फिर मेरे को, ठीक है? बड़ा आसान है, हाँ समय तो लेता है, बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, 2 GB का है लगभग, 2.5 GB का तो सॉफ्टवेयर हैवी है तो लेगा, ठीक है? तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ये लोडिंग होने के बाद जो ऑप्शन देगा कैंसिल का तो मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, आऊँगा इधर, ठीक है? और इधर पे आने के बाद मैं आऊँगा किधर, नीचे ये है, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, इस पे, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है? इसके बाद क्या होगा आप जानते हैं, ठीक है? आप जानते हैं ना इसके बाद क्या होगा? नहीं जानते? चलिए जी, तो ये है आपका स्टार्ट पेज, ठीक? इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? तो इसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, अर्थशास्त्र के बारे में शायद इसका मैं नहीं बताया था, ठीक है? कि मार्केट में इसका डिमांड कितना है वो भी बता दूंगा कभी। तो इतिहास भूगोल आप लोग इसका जानते हैं क्या है, ठीक है? क्या इसका राजनीति? नहीं छोड़ो, राजनीति क्या करेंगे जान के अभी, ठीक है? तो ये टूलबॉक्स है, ठीक है? ये सॉल्यूशन एक्सप्लोर है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ये टूलबॉक्स है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, क्लिक करके हटा दूंगा इसको, ठीक है? हैंग कर रहा है मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर, ठीक है? हट गया वो, इस पर भी क्लिक करके हटा दूंगा जी, इस पर भी क्लिक करके हटा दिया तो आ गया है ऐसा। अब आपको क्या करना है जी, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। अगर ये न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखता है तो ठीक है, नहीं तो न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आएगा और उसमें जाएंगे तो क्या होगा, नया आपको प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन देगा, ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है? अदर लैंग्वेज में जाएंगे तो विजुअल का C# आ जाएगा विंडोज एप्लीकेशन में, ठीक है? मैं C# तो आपके सिलेबस में नहीं है तो C# में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डिमांड है C# का विजुअल बेसिक से, ठीक है? तो विजुअल बेसिक में आ जाएंगे विंडोज़ में, ठीक है? विंडोज एप्लीकेशन में इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, विंडोज एप्लीकेशन बनाएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कंसोल एप्लीकेशन बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसोल एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है? कंसोल एप्लीकेशन हम बना लेंगे, थोड़ा समझ में आएगा तो हम फिर विंडोज एप्लीकेशन बनाना शुरू करेंगे इस पर क्लिक करके, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज एप्लीकेशन बनेगा, ठीक है? तो मैं इसको अभी कर देता हूँ कैंसिल, ठीक? विंडो पे मैं आऊँगा, ठीक है? या टूल पे जाऊँगा मैं, ठीक है? शॉर्टकट्स व्यू में जाना चाहिए मुझे, ये देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा तो इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोर खुल के आ जाएगा, ठीक है?
और इधर टूल बॉक्स वाले में क्लिक कर दूंगा तो टूल बॉक्स इधर आ जाएगा ओपन होके। ठीक है जी, तो आप यहाँ से ले लाया करोगे कुछ काम के चीज़ जो है। ये देखिए आ गया, इसको मैं पकड़ के बीच में लाऊंगा तो ऐसे आ सकता है, लेकिन मैं इसको फिट इधर करता हूँ ऐसे, तो ये फिट हो जाएगा इधर। ठीक, अब विंडोज़ एप्लीकेशन और कंसोल एप्लीकेशन मैंने आपको दो ठो बताया। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? विंडोज़ एप्लीकेशन का मतलब क्या है? विंडोज़ एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, जो कि क्या होगा, विंडोज़ एप्लीकेशन के जैसे चलेगा। विंडोज़ एप्लीकेशन मतलब क्या, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो ना नॉर्मल, वैसा जैसे नोट पैड है हो गया, या फिर आपका एमएस ऑफिस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, विंडोज़ एप्लीकेशन है। ठीक है, और कंसोल एप्लीकेशन किसको कहेंगे? तो कंसोल एप्लीकेशन का मतलब है जो डॉस के जैसा चले। ठीक है, ये देखिए कमांड लाइन आ गया ना, तो एक कमांड लाइन के जैसा जो चल रहा है वो कहलाएगा कंसोल एप्लीकेशन। ठीक, तो ये डॉस के जैसा ही चलेगा तो कंसोल एप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर है विंडोज एप्लीकेशन। अब नोट पैड है, ठीक है, तो इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, विंडोज एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो ये विंडोज एप्लीकेशन कहलाएगा। राइट, आपको अंतर क्लियर है विंडोज एप्लीकेशन और डॉस कंसोल एप्लीकेशन में? क्लियर। चलिए जी, न्यू प्रोजेक्ट हम करते हैं और पहला एप्लीकेशन बनाते हैं कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, और क्या कर देंगे, ओके, ओके बटन पर मैं क्लिक करा और ये कंसोल एप्लीकेशन जो है चलने लगा। ठीक, इस प्रॉपर्टी का अभी कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, इसको मैं कर दूंगा क्लोज। ठीक है, ये सब मेन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये लिखा है इंड सब। ठीक, इसको अभी जानने का कोई मतलब नहीं है, अभी हम नहीं जानेंगे। हमको कोड कहाँ लिखना है, इसी के बीच में। ठीक, ये जो दोनों है ना, इसके बीच में हमको कोड लिखना है। आप अभी इतना रट लो, ठीक है, कोई भी कोड लिखा जाएगा तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे। ठीक, तो हम सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा बनाएंगे जी? तो पहला कौन सा प्रोग्राम बनाएंगे, हमारे डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट करे मैसेज। ठीक, तो कैसे प्रिंट करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, मैं राइट लिखता हूँ पहले, और राइट लाइन दो अब होते हैं। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, ये देखिए दो है, राइट और राइट लाइन। ठीक है, ये देखिए, तो दोनों में क्या अंतर है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कंसोल क्या है, क्लास है, क्लास ऑब्जेक्ट में बता दूंगा आपको कभी, आप अभी ना रटी लो। ठीक है, मॉनिटर पे कुछ भी दिखाना है आपको, कुछ भी चीजें शो कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ेगा और जो पैरेंथेसिस है ना इसके बीच में कुछ डबल कोट करना पड़ेगा और इसके बीच में आप कुछ भी लिख दो जी। ठीक, इसके बीच में आप क्या करो, कुछ भी लिख दो। ठीक, कुछ भी लिखने के बाद इसको यहां पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ए रन हो जाएगा। ठीक, अभी रन करूंगा तो कुछ दिखेगा, यहां पे रेड लाइन नहीं लगाया तो रुकेगा नहीं स्क्रीन, लेकिन आप देख लो पहले, देखिए आया, कुछ भी लिख दो, लिखाया और गायब हो गया, गायब हो गया ना, तो गायब होना नहीं चाहिए, रुकना चाहिए स्क्रीन। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, क्या ट्रिक यूज करेंगे जी, बड़ा आसान ट्रिक है, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन यूजर से इनपुट लेता है और हमें देता है। ठीक, मतलब यूजर से इनपुट लेता है और सॉफ्टवेयर को दे देता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक ठो रीड लाइन ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ताकि हमारा स्क्रीन को रोक करके रखे ये रीड लाइन। ठीक, अब यूजर से इनपुट लेने के लिए रुकेगा ना, नहीं रुकेगा, रुकेगा यूजर से इनपुट लेने के लिए, तब हम देख लेंगे कि क्या प्रिंट हुआ है।
चलिए जी कंपाइल रन फिर से करूंगा, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे है, अब ब्लिंक कर रहा है कर्सर यहाँ पे, मैं एंटर कर दूंगा सीधा तो टर्मिनेट हो गया वो, ठीक। तो इतना क्लियर आपको, कुछ भी चीजें अगर दिखाना है आपको डिस्प्ले पे मॉनिटर पे तो प्रिंट कराना है कुछ भी तो क्या करना चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डुअल कोट के अंदर कुछ भी लिख देंगे हम, ठीक ठीक है जी। तो अगर स्ट्रिंग माने कुछ शब्द अगर आपको प्रिंट कराना है तो क्या करोगे आप डबल कोट के अंदर लिखोगे, ठीक। और कोई नंबर अगर प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, ये देखिए कंपाइल और रन कर दिया मैंने, रन हो गया कंपाइल रन, क्या मैंने अलग से करा कर दिया इसी बटन पे क्लिक, तो ऐसे आप नंबर को जो है प्रिंट करा लोगे, ठीक ठीक है जी। यहां पे मैंने कुछ दो दो चार भी कर सकते हैं, पांच धन पांच कर देंगे, ठीक। अब इसको कंपाइल रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 10 आउटपुट आ जाएगा, मतलब ये जोड़ भी देगा, ये देखिए 10 आ गया, ठीक है। अब इसके पहले हमें कुछ लिखना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या चाहता हूं कि 5 + 5 = 10 आए, ठीक। क्या आए, 5 आए फिर प्लस आए फिर 5 आए इक्वल टू आए फिर 10 आए, राइट, ये आए। तो हमको क्या करना पड़ेगा जी, मैं बता रहा हूं आपको, पहले हमको शब्द के रूप में लिखना पड़ेगा, वर्ड लिखना पड़ेगा क्या, 5 + 5, ठीक है ये। अब इसको मैं कर दूंगा रन तो क्या होगा, आ जाएगा 5 5 10 आ गया ना, यहां पे एक इक्वल टू का साइन दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये देख लीजिए हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि 5 + 5 = ये तो मैंने डबल कोट में लिखा है ना, तो ये डबल कोट में लिखा है इसलिए ऐसा ही ये प्रिंट हो जा रहा है, ये बात क्लियर है आपको। तो इतना हिस्सा क्या है, ये शब्द है, ठीक, और इतना हिस्सा क्या है, ये नंबर है, ठीक, नंबर है ना ये, और बीच में ये क्या है, एंड का साइन, ठीक। अब इसको मैं हटा दूंगा तो क्या आएगा देखना आप, एरर आने लगा, ठीक, बोल रहा है ये क्या कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, जोड़ना मतलब कॉन्केटिनेट करना, ठीक। जैसे मान लो 5 + 5 किया, ठीक, आंसर क्या आना चाहिए, 55, तो ये क्या क्या कहलाया, कॉन्केटिनेट करना, कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ना, किस तरह से जोड़ना, 5 + 5 = 5 5, ये जोड़ना हुआ ना, तो ये कहलाएगा कॉन्केटिनेट करना, ठीक। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि इस शब्द को, ठीक, इस नंबर के साथ क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, मतलब कॉन्केटिनेट कर रहा हूं, तो एंड का साइन दिया तो ये क्या हुआ, ये वाला जो है जोड़ दिया तो 5 और 5 = 10 हो गया, ठीक है। और फिर ये 10 वैल्यू और ये शब्द, इन दोनों को आपस में क्या किया, जोड़ दिया, ठीक। आपने संधि पढ़ा है ना, वही हो रहा है इधर संधि, ठीक है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या अमेरिका के प्रेसिडेंट या चीन का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री या जो है, ठीक है, पहले लंबा चौड़ा खूब भाषण दिए, चीन कहा मैं भारत को उड़ा दूंगा, भारत कहा मैं चीन को मसल के रख दूंगा, ठीक है। दो चार दिन ऐसे उन्होंने किया, फिर क्या किया, संधि कर लिया जी, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक। आपको मालूम है अभी पिछले वर्ष खूब बाइकॉट कर रहे थे चाइनीज का, अब क्या हो गया, सब हिंदी चीनी भाई भाई, मालूम है, इसीलिए मैं कहता हूँ ये सब बच्चों के जैसे हैं जी, परीक्षा आता है ना तो रात दिन किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, परीक्षा खत्म किताब खत्म, किताब को रख दो कोना में किनारे, धूल खाता रहे, ठीक है। गवर्नमेंट भी वैसे ही है जी, बच्चों के जैसा, जब युद्ध होने लगा तो भक्ति जाग गया,
खैर छोड़िए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, संधि। समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये कॉन्केटिनेट हो रहा है आपस में, ठीक ठीक है जी। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया नहीं आया? आ गया नहीं आया? कॉन्केटिनेट क्या होगा, होता है जोड़ना होता है, नंबर को शब्द में जोड़ सकते हैं, शब्द को नंबर में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेट करा और यहाँ पे आउटपुट आ गया ये, ठीक है जी। तो इतना तो आपको क्लियर ही होगा। इसमें कोई दिक्कत कुछ पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो फिर, ठीक है। तो आगे चलें ना, चलें आगे। तो आउटपुट देना आपको समझ में आ गया जी। यूजर से इनपुट लेना आपको बता दो, ठीक है। तो यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है जी? कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो ये क्या करेगा जी, यूजर से इनपुट लेने के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। यूजर से ये इनपुट लेगा, ठीक है, और ये दे देगा। किसको देगा जी? तो दे देगा हमको, ठीक है। लेकिन देगा तो हम कहीं रखेंगे ना, हमको कुछ जगह का जरूरत है, ठीक है भाई। ये जो है इनपुट लेगा यूजर से और हमको देगा, तो हमको रखना पड़ेगा कहीं ना। तो कहाँ रखेंगे हम, कहाँ रखेंगे जरा बताओ? नहीं मालूम? सी में आपने पढ़ा था वेरिएबल, तो वही वेरिएबल यहाँ पे भी बनेगा। और वेरिएबल में हम क्या करेंगे, रख लेंगे, ठीक ठीक है ना? अच्छी बात है, नहीं है? अच्छी बात, अच्छी बात है ना। चलिए जी, तो वेरिएबल कैसे बनता है विजुअल बेसिक में, मालूम है आप लोग को? बोलो बिना बताए कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो बता दे, नहीं बताए? बता देते हैं जी। डीम नेम एज स्ट्रिंग, ठीक, अनयूज्ड लोकल वेरिएबल। इसको कर देंगे ऐसे तो ये यूज्ड हो जाएगा, ठीक है, पर मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। डीम नेम एज स्ट्रिंग, इसको हमको क्या करना है, समझना है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे जी, आ जाएंगे कहां, पेंट में, पेंटिंग ब्रश, कुछ पेंट ब्रश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाता हूं, नंबर 1 2 3, अच्छा 2 नहीं हुआ 2, ठीक है, ये है जी नंबर, ठीक है। वर्ड्स ALL, एप्पल का स्पेलिंग पता नहीं यार, बोल रहा हूँ मैं, LE, एप्पल हो गया। ओ क्या बात है, तो बड़ा आसान था जी। वर्ड्स हो गया, कैरेक्टर का स्पेलिंग बताओ, कैरेक्टर आधा ही मैं लिख देता हूँ मैं, A हो गया, ठीक है, ये है, ठीक। आप इसको हिंदी में चाहो तो कह लो शब्द, और इसको अंग्रेजी हिंदी में चाहो तो कह लो अक्षर। मैं हिंदी में यहां लिख दूं कि जरूरत नहीं है लिखने का, जरूरत नहीं है ना। चलिए जी, आप लोग ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। और फिर हम इधर आते हैं, क्या लिखते हैं, इंटीजर इक्वल टू 1 2 3, ठीक। स्ट्रिंग इक्वल टू ALL, ठीक। कैर इक्वल टू A, ठीक ठीक है जी। तो ये मैं क्या लिखा हूं, ये तो आप समझ ही रहे होगे।
ठीक है, एक लाइन भी खींच दूं, ये लो खींच दिया लाइन, ओ ये क्या आड़ा टेढ़ा लाइन खींच दिया, ठीक है, डीम, या फिर यहां से ही मैं क्या करता हूं, कॉपी पेस्ट मारता हूं इसको, ठीक है, ऐसे ट्वेंटी दे दिया इसको जी साइज में, ठीक है, और रबड़ से क्या करता हूं जी इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक ठीक है, चलिए जी फिर से पेंसिल ले लूंगा, पेंसिल नहीं इसको ले लेता हूं। तो इस लाइन को हम समझते हैं जी क्या है इस लाइन के अंदर, ठीक है, ये वाला क्या है, तो कुछ आकृति वगैरह नहीं है क्या इधर, होम सेप में आकृति मिल जाएगा, तो इस लाइन को हमको समझना है, ठीक, तो ये सबसे जो पहला वर्ड है, ठीक है, पहला शब्द है डीम, डीम क्या है जी, ये एक कीवर्ड है, राइट, कीवर्ड किसे कहते हैं, अब बातें आता है, कीवर्ड मतलब क्या, आपको मालूम है कीवर्ड मतलब क्या, मैं बताया था सी में, नहीं मालूम, कीवर्ड का मतलब ये है, हाँ कुछ उसी तरह का है, ठीक है, कीवर्ड मतलब कि कोई ऐसा शब्द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आरक्षित है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस शब्द का अपना कुछ मीनिंग्स है, वो क्या कहलाता है, कीवर्ड, ठीक, ऐसा रिजर्व वर्ड जो जिसका कुछ अपना मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो कहलाएगा कीवर्ड, ठीक, तो डीम एक तरह का कीवर्ड है, ठीक, अब डीम कीवर्ड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या मीनिंग है, तो डीम कीवर्ड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मीनिंग ये है कि अगर कहीं भी डीम लिखा जाता है, ठीक है, डीम कहीं भी लिखा जाता है, डी आई एम डीम, ठीक है, फिर स्पेस दे करके कुछ भी नाम लिखा जाता है, ठीक, तो क्या करो उसको वेरिएबल बना दो, ठीक, क्या मतलब है डीम कीवर्ड का, डीम कीवर्ड का मतलब है, डीम कीवर्ड का क्या मीनिंग है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि डीम कहीं भी लिखा जाए और उसके बाद स्पेस दे करके कुछ लिखा जाए कुछ वर्ड, तो उसको क्या करो उसको वेरिएबल बना लो, वेरिएबल किसे कहते हैं, अब प्रश्न ही आता है, तो वेरिएबल क्या है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, जैसे मान लो यूजर से इनपुट लेके आपको कुछ रखना है कुछ डेटा, तो कुछ जगह चाहिए, ठीक, कुछ जगह आपको चाहिए, तो जगह का नाम जो कहलाता है वो कहलाता है वेरिएबल, ठीक, उस जगह का जो नाम रहता है वो कहलाता है वेरिएबल, तो डीम क्या है, कीवर्ड है जो वेरिएबल को बनाता है, ठीक, तो मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है, मेमोरी एलोकेट होगा, पर उस मेमोरी एलोकेट होगा तो उसका कुछ नाम तो होना चाहिए, क्यों नाम होना चाहिए ना, जैसे आप लोग का मैं नाम जानता हूं तो मैं एक एक करके बुला सकता हूं, नाम नहीं जानता तो क्या करूंगा, चुपचाप बैठे रहूंगा, ठीक, फिर क्या कहूंगा, कोई ब्लैक शर्ट पहना है तो ब्लैक करूंगा, कोई व्हाइट पहना है तो व्हाइट करूंगा, रेड पहना है तो रेड करूंगा, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट कहूंगा तो किसी को व्हाइट एंड व्हाइट कहूंगा, ऐसे कुछ बोलूंगा ना, या कहूंगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, ऐसे कुछ करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन नाम रहेगा तो आसान होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये मेमोरी लोकेशन का नाम कहलाएगा, राइट, ठीक है, तो वेरिएबल आपको समझ में आ गया, अब इस वेरिएबल का नाम बनाने के, नाम लिखने के लिए कुछ कानून होता है, ठीक, कुछ कानून होता है नाम लिखने का, कि कैसे नाम लिखना है, वो कानून क्या है, बस थोड़े से देर में पढ़ लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एज लिखा है, फिर लिखा है स्ट्रिंग, ठीक, अभी स्ट्रिंग का क्या मतलब है, तो ये स्ट्रिंग है डेटा टाइप, ठीक,
आपको डेटा स्टोर करके रखना है वेरिएबल में ना, कुछ वेरिएबल हम बनाते हैं ताकि कोई डेटा स्टोर करके हम रख पाए, ठीक। तो वेरिएबल बनाने के लिए डीम कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर वेरिएबल का नाम जो है ये मैं कहां आ गया, फिर जो है वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर एज लिख के फिर कर देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? डेटा टाइप। अब डेटा टाइप मतलब क्या? डेटा टाइप का मतलब यह है, जैसे नंबर, नंबर भी एक तरह का डेटा है, वर्ड जो है वो भी एक तरह का डेटा है, कैरेक्टर है वो भी एक तरह का डेटा है। आपको किस तरह का डेटा रखना है इस वेरिएबल में, ठीक, आप वो बता दो, क्या डेटा टाइप, ठीक। तो ये क्या है? स्ट्रिंग, डेटा टाइप। हाँ, नंबर क्यों नहीं रख सकते, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, ठीक। अब थोड़े देर के लिए आप ये मान लो ना, इसको मैंने सेलेक्ट करा ऐसे, इसको कर दिया डिलीट बटन दबा के डिलीट। यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है हमें, नेम में क्या स्टोर करना है? नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर जी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, नंबर, NUMBER, नंबर लिख दूंगा मैं, ठीक है। अगर वर्ड स्टोर करना होगा तो क्या लिख दूंगा, वर्ड, वर्ड लिख दूंगा ना यहाँ पे, कि इसमें हमको कुछ वर्ड स्टोर करके रखना है, जैसे नाम पता कुछ यही रखना है हमको, तो वर्ड लिख दूंगा, ठीक है। अब कंप्यूटर के भाषा में इस वर्ड को क्या कहेंगे जी, स्ट्रिंग। नंबर को क्या कहेंगे, इंटीजर। कैरेक्टर को क्या कहेंगे, कैर, ठीक है। तो डीम क्या है, आपने समझ लिया, ये कीवर्ड है जी, ठीक है। नेम क्या है, वेरिएबल है। अब इसका डेटा टाइप हमें बताना है कि डेटा किस तरह का हमको रखना है। मान लीजिए हमको वर्ड कुछ रखना है तो हम क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे STRING, ठीक, स्ट्रिंग लिख देंगे। तो अब क्या हो गया, ये एक वेरिएबल बन गया जिसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम रख सकते हैं इस नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमको इंटीजर रखना होता तो मैं क्या करता जी, इंटीजर टाइप का बनाता ना वेरिएबल। ये देख लीजिए, इस ब्रश को बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाओ तो ये बड़ा होगा। अब इसको एक बार में ऐसे कर दूंगा मैं, ठीक। अब फिर से यहां पे क्या कर दूंगा, इंटीजर लिख दूंगा जी, इंटीजर लिख दिया मैं यहां पे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये नेम नाम को का जो वेरिएबल है वो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर टाइप का वेरिएबल, ठीक है जी, समझ गए आप लोग, समझ गया ना, नहीं समझे पीछे, समझ में आया आपको। नंबर को कंप्यूटर के भाषा में क्या कहते हैं जी, नंबर को कंप्यूटर के भाषा में क्या कहेंगे, नहीं बताओगे पीछे, नंबर को कंप्यूटर के भाषा में क्या कहते हैं बताओ, नहीं पता, याद नहीं, भूल गए, इंटीजर कहते हैं, इधर लिखा तो हूं, क्यों लिखा है ना इधर, अच्छा पढ़ने नहीं आता है, सच में नहीं पढ़ने आता है, तो तुम एक्स्ट्रा क्लास कर लेना जिसमें पढ़ने आ जाए, ठीक है। ये स्ट्रिंग, ठीक है, वर्ड को क्या कहते हैं कंप्यूटर के भाषा में, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने क्या, स्ट्रिंग माने शब्द। इस वेरिएबल में अगर कुछ शब्द स्टोर करके रखना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिंग। इस लाइट का हम क्या करें, इन्वर्टर लगवा देते हैं, अब टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, चलो थोड़े दिन देर तक इसको रख लेते हैं रुक करके। मैं जब पढ़ रहा था उस समय कि क्या था कि क्लास चल रहा था, लाइट आया नहीं आया, चलिए तो हुआ क्या कि क्लास चल रहा था, ठीक है, तो सर बाहर गए, पीरियड खत्म, तो एक लड़का था सामने बैठा, क्या कर रहा है कि वो टाटपट्टी पे हम लोग बैठते थे जी, तो टाटपट्टी को तोड़ दिया थोड़ा सा धागा, उसको गोल गोल बना लिया, ठीक है, उसके बगल में एक लड़का बैठा था, ठीक है, तो गोल बना लिया टाटपट्टी को तोड़ के धागा, बगल में एक लड़का बैठा था, आप देख रहे हैं।
मैं अकेले नहीं देख रहा था, सारे लोग देख रहे थे, ठीक है, सब मतलब क्लास खत्म हुआ, सर बाहर गए, सब मस्ती करने लगे, ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, बनाया गोल टाट पट्टी का रस्सी, ठीक है, और उसके कान में डालने लगा कान में डालने लगा, उड़ी का भड़क गया, ठीक है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जरा बताओ, एक झापड़ एक झापड़ लगा दिया हो, अब जिसको पड़ा एक झापड़ उसको भी लगा गुस्सा, ठीक है, वो भी लगा दिया एक झापड़ ठीक है, वो भी एक झापड़ लगा दिया, हो गया युद्ध, सर को जाके बता दिया उसने, ठीक है, सर को जाके बता दिया उसने, सर बोले बुला के लेके आओ उसको, मैं देख लूंगा अब, ठीक है, तो दूसरा लड़का था, ठीक है, वो बोल रहा है नहीं जाऊंगा मैं मिलने सर से, सर को ही बुला के ले ला इधर, ठीक है, तो फिर लड़का वापस गया, ठीक है, वापस गया, बोला सर वो तो आ नहीं रहा है, सर को लगा और तेज गुस्सा, बोले अब ही बताता हूं मैं इसको, ठीक है, क्लासरूम में आए, पंचायत होना शुरू हो गया, पूछे क्या माजरा था, सब लोगों ने बताया पीछे का सत्य क्या था, मालूम है सर ने क्या कहा, मालूम है सर ने क्या 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 कहा होगा सर ने जरा बताओ, सॉरी बोले, नहीं सॉरी नहीं कहा बोलने को, सॉरी कहा होता तो उस सर का इज्जत ही नहीं करता मैं, ये बात मुझे याद ही नहीं रहता अगर सॉरी बोलने को कहा होता तो, नहीं मेरा तारीफ क्या करेंगे, मैं कौन सा झंडा गाड़ा था, मैं कोई झंडा थोड़ी गाड़ा था कि तारीफ करेंगे, ठीक है, तारीफ तो उन दोनों का होने चाहिए थे, सर ने बड़ा ही सुंदर लाइनों में कहा, अगर मजाक सहन करने का क्षमता नहीं है तो मजाक करते क्यों हो, मजाक अगर सहन करने का क्षमता नहीं है आप में तो आप सहन क्यों करते हो, बैठो चुपचाप, ठीक है, तो बड़ा अच्छा उत्तर था ना, उस सर का ये उत्तर इसीलिए मुझे आज तक याद है कि बड़ा बढ़िया सुंदर आंसर सर ने दिया, जब आप में क्षमता नहीं है मजाक सहन करने का तो मजाक क्यों करते हैं आप, पड़ गया फालतू के दो झापड़, ठीक है, तो अच्छा टेक्निक है, ठीक है जी, तो आप लोग भी मजाक करने का क्षमता रखते हो तो सहने का भी रखो, मेरे को लगा पूछेंगे क्यों मारा, ठीक है, तो भी कह देगा मैंने भी मजाक में मारा था ये तो सीरियस ले लिया सर, लाइट नहीं आया, अरे यार दिक्कत हो गया, ये जी लाइट आ गया, अच्छा चालू करो यार प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर ऑन हो रहा है तब तक इसको रोक के ही रखता हूँ ना, काई के लिए चलेगा, बराबर दिख रहा है ना सबको, चलिए जी, तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, डीम क्या है, कीवर्ड है डीम, इस डीम कीवर्ड का क्या मीनिंग है, इस डीम कीवर्ड का मीनिंग ये है कि एक मेमोरी एलोकेट कर दो और उसका नाम क्या होना चाहिए, इस स्पेस देकर के यहां जो भी नाम लिखे, एबीसी मैंने लिखा तो क्या होगा, मेमोरी जो एलोकेट होगा उसका नाम क्या होगा, एबीसी, तो वेरिएबल नेम जो है ये है, ठीक, डीम क्या करता है, वेरिएबल बनाता है और डीम के बाद स्पेस देकर के जो भी हम शब्द यहां पे लिखते हैं, जो भी कैरेक्टर लिखते हैं वो वेरिएबल का नाम हो जाता है, ठीक, और ये स्ट्रिंग क्या है, ये है डेटा टाइप, ये भी एक तरह का कीवर्ड है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप मतलब आप लोग समझते हैं स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ठीक है, नंबर को कंप्यूटर के भाषा में क्या बोल दिया, इंटीजर, वर्ड को क्या बोल दिया कंप्यूटर के भाषा में, स्ट्रिंग, तो यही है जी इस स्ट्रिंग का मतलब, आप लोग को समझ में आ गया, ये इस लाइन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, ठीक, तो ये वेरिएबल क्लियर है ना सबको, पीछे सबको क्लियर है, चलिए जी, तो हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, अब इसमें क्या लिख देंगे, इंटर नंबर, ठीक, नहीं इंटर नंबर नहीं, इंटर नेम, ठीक, यहां पे सेमी कॉलन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक, फिर हम क्या करेंगे जी, कंसोल
ठीक है। डॉट रीड लाइन, रीड लाइन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है और रिटर्न कर देता है। तो ये रिटर्न करेगा ना कोई वैल्यू, रिटर्न करेगा कोई वैल्यू तो कहां उसको रखेंगे, जरा बताइए आप लोग कहां रखेंगे उस वैल्यू को, वेरिएबल में। कौन से वेरिएबल में रख लो, बोलो एक ही तो बना है एबीसी, उसी में रख लो एबीसी। और इक्वल टू का साइन यहां पे मैंने दे दिया। इस इक्वल टू का साइन का क्या मतलब है जी, ये एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू का साइन का मतलब कि इधर इधर जो वैल्यू है उस वैल्यू को इधर जो है असाइन कर दो, इसमें जो है डाल दो, इसमें शिफ्ट कर दो। मतलब ये राइट साइड का जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में डाल दो, असाइन कर दो। लेफ्ट साइड में क्या है, वेरिएबल है, ये खाली वेरिएबल होगा, ठीक है, इसमें जो है डाल दो इसको, ठीक है, इसका मतलब यही है, ठीक है। वेरिएबल हमने बनाया, इसमें कुछ रखा नहीं है अभी, इसको जो है इसमें हम डाल देंगे, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे, राइट। कैसे प्रिंट करेंगे जी, ऐसे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हमने, ठीक है। और किसी भी वेरिएबल का वैल्यू हमें प्रिंट करना है तो क्या करेंगे जी, ए बी सी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। चलिए जी, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना हो तो हमें क्या करना है जी, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर उस वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं। यहाँ पे डुअल कोट वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक। कंपाइल और रन कर दूं मैं, अभी रन करूंगा तो स्क्रीन रुकेगा नहीं जी, ठीक है, नाम हमारा प्रिंट करके चुपचाप निकल लेगा और रुकेगा नहीं, देख लीजिए आप। पूछ रहा है नेम बताओ, नेम में बता दिया जी, नाम बताओ जी, कुछ भी नाम बताओ, ठीक है, स्पेलिंग सही है, एंटर कर दिया, प्रिंट तो हुआ लेकिन गायब हो गया, स्क्रीन रुका नहीं है। स्क्रीन को रोकने के लिए क्या करेंगे जी, हम कंसोल डॉट रीड लाइन एक बार लिख देंगे, ठीक। अब नाम बताइए, मत बताइए, एंटर किया, नाम यहां पे प्रिंट हो गया ना, हम यहां पे नाम इनपुट करें और नाम यहां पे प्रिंट हो गया, राइट। अबे स्क्रीन रुका है, हम एंटर मारेंगे तो गायब हो जाएगा, ये चला गया। तो आपको इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ में आ गया जी, हाँ नहीं, कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, ठीक। ये सिर्फ कंसोल एप्लीकेशन में, जब विंडोज एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे तो यूजर से इनपुट लेने के तरीके अनेकों हो जाएंगे। आपने सुना है श्लोक, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक है, वैसे ही जब हम विंडोज एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो यूजर से इनपुट लेने के तरीके अनेक हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन है, क्या चीज, कुछ भी चीजें प्रिंट करना है तो आप कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर आप लिखेंगे, ठीक। जैसे मैं क्या करता हूं, इन सबको हटा दिया, एक ठोको तो रखना ही पड़ेगा, हटा दिया ना मैं इसको, ठीक। इंटर नेम हमको डिस्प्ले पे प्रिंट करना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर डबल कोट में हम लिख देंगे जी, डबल कोट में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है मॉनिटर पे। अब इसको मैं कंपाइल रन किया, आ गया ना इंटर नेम, ठीक। अब किसी वेरिएबल का वैल्यू हमें अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे जी, बड़ा आसान है, डीम नेम एज स्ट्रिंग, ठीक। अब नेम में हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं जी, क्या वैल्यू डाल दें, कुछ नाम बताओ आप लोग, नहीं बताओगे तो मत बताओ। कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देंगे और राइट लाइन लिखने के बाद यहां पे क्या कर देंगे, हम नेम लिख देंगे, ठीक। चलिए जी, यहां पे कंसोल डॉट रीड लाइन लिख देंगे हम ताकि स्क्रीन रुका रहे, ठीक है। तो यहां पे हमने वेरिएबल बनाया, ठीक, क्लियर है आपको, यहां पे हमने वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। और फिर यहां पे हमने क्या किया, वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन,
ठीक। कंसोल डॉट राइट लाइन से क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। कंसोल डॉट राइट लाइन से प्रिंट किया जाता है डिस्प्ले पे कुछ भी, अब वेरिएबल का वैल्यू हो या कुछ नंबर हो या कुछ कोई स्ट्रिंग, हम सीधा इसमें प्रिंट करा रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे नेम को हम नेम का वैल्यू प्रिंट कराना है। इस वेरिएबल का वैल्यू क्या है, नेम है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं जी। प्रिंट करा दिए तो मेरा नाम यहाँ पे प्रिंट हो गया जी। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अन्यथा हम समझ जाएंगे कि सब ज्ञानी लोग हैं। ठीक, क्लियर है इतना सबको? क्लियर है ना? नहीं है क्लियर? है क्लियर? कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? इस लाइन में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। ये चार लाइन का कोड मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक, कोई समस्या इसमें किसी को, कोई तकलीफ नहीं है? आगे चले। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन में वेरिएबल बनाया है और दूसरे लाइन में वेरिएबल का वैल्यू हमने असाइन करा है, राइट। इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक, वेरिएबल हमने बनाया और तुरंत हमने बनाते के साथ ही असाइन कर दिया वैल्यू। ठीक, ये हो गया सिंगल लाइन में वेरिएबल बन भी गया और असाइन भी हो गया। इसको ऐसे हम कर देंगे, इसको कंपाइल रन करेंगे, रन कर दिया तो वैल्यू प्रिंट हो गया, आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे भी जो है कर सकते हैं हम। क्लियर है आपको? क्लियर है ना? नहीं है क्लियर? क्लियर है ये बात? इस वाले लाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? नहीं है ना? चलिए, अब मैं क्या करता हूं, एज स्ट्रिंग जो लिखा है ना, इसको भी मैं हटा देता हूं। ठीक, अब भी ये प्रोग्राम क्या होगा, चलेगा। ठीक, चल रहा है ना? अब आप कहेंगे कि सर यहां पे आपने हटा दिया ये स्ट्रिंग को, पता कैसे चलेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है? ठीक, तो जो पुराना वर्जन था ना विजुअल बेसिक का, जैसे विजुअल स्टूडियो 2005 अगर आप यूज करो तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा विजुअल स्टूडियो 2010 में आप कर सकते हैं, हायर वर्जन में कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है कि जिस टाइप का ये वैल्यू है उसका, उसी टाइप का इस वेरिएबल को इम्प्लीसिट बना दिया जा रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। इम्प्लीसिट का मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इंटरनली अपने आप बना दे रहा है, वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप निर्धारण कर ले रहा है। कैसे? यहां पे जो भी हम वैल्यू देंगे, ठीक है, वो वैल्यू जो है, जो वैल्यू देंगे उसी टाइप का वेरिएबल ये इंटरनली जो है अपने आप बना लेगा। ठीक, तो हम वो भी ना लिखे एज स्ट्रिंग या एज एंटीजर, तो भी जो है ये इंटरनली बना लेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया ये बात? यहां पे आप नंबर भी डाल दो। ठीक, ये देख लीजिए, बन गया। तो जो है ये इंटरनली जो है बना लेता है। ठीक, ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या हो गया, ये देख लो। ठीक, ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन आप अभी क्या करना जी, स्टैंडर्ड तरीका जो है वही फॉलो कर लेना है ऐसे। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको डुअल कोट में डाल दीजिए तो ये बन जाएगा। ठीक है जी, आप क्या करोगे, इसी तरह से जो है आप असाइन करोगे कोई वैल्यू। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? आ रहा है ना समझ में? ठीक, चलिए जी, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? नहीं पूछोगे? पूछना है? पूछ लोगे तो ठीक है, नहीं पूछोगे तो हम मान के चलेंगे कि इधर सब तेजस्वी लोग हैं, सबको सब कुछ आता है, क्यों? हाँ, आगे चलें, कुछ जोड़ घटाव कर लें।
इंटीजर टाइप का इसको बना लिया मैं, ठीक है, डीम नम टू, ठीक, एज इंटीजर, ठीक, इसमें असाइन कर देता हूँ मैं 10, इसमें असाइन कर देता हूँ क्या 20, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल और बना लूँगा जी, डीम रिजल्ट के नाम से, ठीक, नम टू प्लस इसको मैं नाम बदल के नम वन कर देता हूँ, नंबर वन, ठीक, रीनेम, ठीक है, इसको कर देता हूँ नम वन, ठीक, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर दूंगा जी मैं, रिजल्ट को, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, नंबर वन एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का, फिर एक इंटीजर टाइप का नंबर टू वेरिएबल बनाया जिसमें 20 असाइन कर दिया, 10 असाइन किया, 10 और 10 20 हो जाता है, इसको जोड़ करके मैं इस वेरिएबल में रखा। यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं जी, एज इंटीजर, ठीक है, असाइन कर दिया इसको, इसमें रिजल्ट को हमने, आउटपुट बताइए क्या आएगा, आ गया आउटपुट 30। आप चाहें तो इसको सीधा जो है यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, ऐसे आ गया। अगर आप चाहते हैं तो यूजर से भी इनपुट लेकर के इसको प्रिंट कर सकते हैं, यूजर से इनपुट लेके मैं बता दूं आपको, ना बताऊं, आप लोग कर लेंगे, बता दें, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें क्या लिख दूंगा जी मैं, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक, इंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा, यहाँ पे डुअल कोट दे देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से मैं ले लूँगा यूजर से इनपुट, ठीक, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, पहला वाला लाइन को ही मैं कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करके क्या कर दिया, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक, और यहाँ पे 10 के जगह पे क्या कर दिया जी, कंसोल डॉट रीड लाइन, क्यों, क्योंकि इसी के जगह पे तो हमें क्या करना है जी, हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर जो है इनपुट लेगा ये यूजर से इनपुट, और जो यूजर जो है इनपुट देगा उसको असाइन कर देगा नंबर टू नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे दोनों प्लस होकर के आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी 10 दे देता हूँ, 52 दे देता हूँ, 62 आ गया। चलिए जी, मैं क्या चाहता हूँ ना अब, कि यहाँ पे बताएं कि किस किस नंबर को जोड़ा है तो ये रिजल्ट आया है, ठीक, तो कैसे करेंगे जी, सबसे पहले लिख दूंगा मैं डबल कोट में, क्या लिखूंगा, सम एंड का साइन, फिर नम वन दे दूंगा, फिर एंड का साइन दूंगा, क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, कॉन्केटिनेट जोड़ रहा हूं नम टू, ठीक, यहां पे डबल कोट दे दूंगा जी, यहां पे क्या लिख दूंगा, एंड, ठीक, और फिर यहां से दे दिया ये, फिर यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे दे दिया ये, यहां पे भी दे दूंगा एंड का साइन, और यहां पे भी दे दूंगा एंड का साइन, ठीक है, ए ले लीजिए, ठीक। अब क्या होगा जी, अब इसको मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम, अब देखिएगा क्या होगा, 10 डाला, 20 डाला, आ गया सम 10 और 20 इक्वल टू 30, आ गया ना। इस लाइन को समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सम क्या था, स्ट्रिंग माने क्या था, शब्द था ना, तो इसको हमको जोड़ना था किसके साथ, वेरिएबल के साथ जोड़ना था, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, एंड का साइन दिया और इस वेरिएबल को लिख दिया, राइट, लिख दिया ना, तो इतना जो है जुड़ गया। अब इसके साथ फिर एक तो स्ट्रिंग जोड़ना था, तो फिर हमने एंड का जो है साइन दिया, ठीक है, फिर इतना को जोड़ दिया, ठीक है,
फिर हमको और जोड़ना था तो एंड का साइन दिया, फिर मैंने इसको कॉन्केटिनेट कर दिया नंबर को, फिर एंड का साइन दिया और मैंने इतने स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक, इस वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। और फिर इस वाले स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के बाद ये दोनों वेरिएबल को जोड़ा और रिजल्ट को इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है जी। फिर इसको मैंने कंपाइल रन जब करा तो क्या हो गया, ये देखिए आ गया ना आंसर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करते हैं, ठीक। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए मेरे से, कंफ्यूजन नहीं है तो कहिए, हम सब ज्ञानी लोग हैं, समझ में आ गया, ठीक। कुछ पूछना है तो जी पूछ लो, कुछ पूछने का इच्छा है नहीं है, है नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं। कॉन्केटिनेट का मतलब आप लोग समझते हैं, जोड़ना, मतलब 2 + 2 = 22, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो दो अगर चार हो जाता तो क्या होता, ये जुड़ता, कॉन्केटिनेट नहीं होता, ये सम होता, एडिशन होता ये, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हमने करा है, ठीक है। कुछ पूछना है जी पूछ लो, लिखोगे तो लिख लो, फोटो फाटो खींचोगे तो खींच लो, ठीक है। लिखोगे लिख लो, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना है, पूछना है, आगे चलें ना चलें आगे, या आप लोग इसी को प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है तो अच्छी बात है। आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद एक और प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक। क्या प्रोग्राम बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नोटपैड ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले जब ऐसा प्रोग्राम बनाइएगा जो सबसे पहले क्या करे, हमको बोले इंटर नेम, ठीक। तो हम क्या करें, नेम एंटर कर दें, फिर एंटर मारे तो क्या बोले, इंटर क्लास, तो हम क्या बता दें, क्लास। तो फिर उसके बाद क्या पूछे, एड्रेस, इंटर एड्रेस बोले तो हम क्या असाइन कर दें उसमें, आई एन डी आई ए, एड्रेस डाल दें, ठीक है। तो इसके बाद इंडिया लिखते ही एंटर करने के बाद क्या आउटपुट आए हमारे पास, ऐसा आना चाहिए, नेम, ठीक है, नेम इक्वल टू, नेम के बाद इक्वल टू का साइन देता हूं मैं, स्पेस होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये आ जाना चाहिए, फिर क्लास होना चाहिए, ठीक है। क्लास या आप कोर्स मान लेना क्लास को, ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन हो, फिर यहां पे आ जाए ये, ठीक। फिर उसके बाद क्या आउटपुट आ जाए, क्लास के बाद एड्रेस लिया हूं ना, एड्रेस, तो उसके बाद आउटपुट आ जाए ये, ठीक। सबसे पहले हमसे नाम पूछे, हम नाम दे देंगे तो हमसे पूछे क्लास, क्लास दे दें हम यहाँ पे तो पूछे एड्रेस, एड्रेस जब पूछे हम एड्रेस दे दें तो इस तरह का आउटपुट हमारे सामने आ जाए, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगा, अब हम एंटर करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरह का जो है प्रोग्राम बनाइएगा, ठीक है, बन जाएगा सबसे, नहीं बनेगा तो पूछ लेना जी, ठीक है। तो इसका आप लोग फोटो खींच ही लिए होगे, नहीं खींच पाए, अब लाइट कर गया तो हम क्या करें जी, खींच लिए ना, चलो शेयर कर देना, पड़ोसी से मांग लेना, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को जी, नहीं पूछना है। असाइनमेंट बना रहे हो नहीं बना रहे हो, बन रहा है असाइनमेंट क्या, बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, ऐसा किताब में नहीं मिलता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के उत्तर स्वरूप लिख देना, साहब आपका प्रश्न
आपके पाठ्यक्रम से बाहर का है, ठीक। जैसे पढ़ाते समय बोलते हैं ना, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे पाठ्यक्रम से बाहर का है, तो बताओ। लिख के छोड़ देना, ठीक है। मैं देखूंगा या कोई देखे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो अपने स्कूल कॉलेज के सिलेबस को कभी मत पढ़ना। जितने लोगों ने स्कूल कॉलेजेस को पढ़ा सिलेबस को, सबका वाट लग गया। जिन्होंने सिलेबस को नहीं पढ़ा, क्या चीज, जिंदगी में झंडा गाड़ने के लिए पास होने का क्या जरूरत है? न्यूटन ने फेल होकर के नहीं झंडा गाड़ा, क्यों फेल होकर के गाड़ा ना, आप लोग भी गाड़ दीजिए, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस का सिलेबस क्या करता है, आपको एक बाउंड्री बना के देता है कि इसके आगे मत पढ़ो जी, ठीक है, लेकिन आपके सीखने में कोई बाउंड्री नहीं होना चाहिए, ठीक। सीखना कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। अंग्रेजों ने बाउंड्री सिलेबस नाम का चीज बना के दे दिया था हमें, वो बाउंड्री खत्म होने चाहिए, ठीक है। तो आपके सीखने में बाउंड्री नहीं होना चाहिए। आपने अगर सीखने में बाउंड्री लगा दिया तो आपका उल्टा गिनती शुरू, ठीक। हाँ, उल्टा गिनती ही शुरू होगा फिर, ठीक है। हाँ, डिग्री मिल जाए हमें, हमने कर लिया जी बीटेक एमटेक पीएचडी, ठीक, और हम उसको क्या करें, दीवार में फ्रेमिंग करके लटका दें, और जो आए वो कहे हाँ साहब ने पीएचडी करा है, ठीक है, भले हमको कुछ ना है एबीसीडी, ठीक है, लेकिन भरम बना रहना चाहिए हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को जी, नहीं पूछना है, चलिए जी, चलिए बाकी हम लोग देख लेंगे कल, क्या कह रहे हो।